परिचय कराते हैं दुनिया के सबसे घटिया होटलों से, ठीक है, होटल में से एक से, मतलब मैं तो सबसे मुझे घटिया लगा, होटल सम्राट बजरिया चौक में है नागपुर में। देखिए मैं उसके होटल के गेट के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। एक यहाँ भेज थाली 90 करके लेता है, ऊपर से आपका चिकन थाली लेता है 170, फिश थाली 100। इकोनॉमी के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा है। पता नहीं इंडिया में हम लोग कौन सा इंडिया में रह रहे हैं, 170 रुपये करके चिकन थाली आता है, वो भी लिमिटेड राइस, मतलब नॉट एक्स्ट्रा राइस, कुछ भी हो चलो कोई बात नहीं। मगर रूम में इसका स्टाफ का बिहेवियर बहुत ख़राब है। मालिक कम से कम थ्रेट ही देता है सब कस्टमर को। 4 बजे है अभी, मतलब हम लोग को मतलब ज़बरदस्ती निकाला गया एक प्रकार बोल सकते हैं, क्योंकि कि हम लोग और 5 दिन रहेंगे तो जहाँ हमें 500-600 करके 3,000 देना चाहिए, तो लोग बोल रहे थे कि 10,000 रुपये हम लोग के पास एडवांस जमा रख दो, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर कोई भी होटल में आप जाओगे 3,000 रुपये होते तो ठीक है, आप 5 दिन का एक्स्ट्रा रख दो 3,000 रुपये, मगर 10,000 रुपये लोग मांग रहे हैं। तो आइए होटल का कुछ नज़र ही देखते हैं, जो बजेरिया चौक में है, बजेरिया चौक में बार बार बोल रहा हूँ, होटल सम्राट। देखिए आदमी मैं तभी तो भेज दूंगा जब आप काम दे दोगे। काम दो, उनको मार्किंग करके रेडी करेंगे, मैं आदमी भेज देता हूँ। हेलो गाइज, लास्टली दूसरे होटल में आके पहुँचे। बोलना ही है कोई भी जगह में जाओ, ए होटल में, सम्राट होटल में मत जाओ, अभी तो दूसरा होटल में, बहुत अच्छा होटल है, छोड़ो वो बात है। ये होटल लगा ज़्यादा अच्छा लगा तो ज़रूर उसके बारे में भी यूट्यूब में दिखाएंगे कि बहुत अच्छे होटल के दिखाएंगे, क्योंकि द थिंग इज़ जो बुरा है तो वो बुरा है, जो अच्छा है तो वो अच्छा है, ठीक है। फैमिली के साथ तो कभी होटल में मत जाओ, बहुत बुरा हाल है, सही में बोल रहा हूँ। यहाँ में इवन लोकल लोग भी एक जन भी होटल के बारे में अच्छा नहीं बोल रहा, सब बुरा बोल रहे हैं। स्टाफ इतना बुरा है ना, मालिक इतना घटिया है ना, मैं आपको क्या बोलूँ यार, थ्रेट देता है कसम। कोई कस्टमर, मतलब एक सिंगल, नॉट ए सिंगल वन कस्टमर कोई सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब आई वॉज, मतलब इन द मॉर्निंग ऑफ द टूडे, मतलब टूडे मॉर्निंग आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड एंड I was just busted over there actually. What the hell is going on? Because whenever I was just going out to having tea basically, they are just asking me, sir, please just submit $10,000 because if you, no, first of all they asked me that how many days you are staying, sir. I just say that no, I am staying for 5 days, or 5 to 6 days. So one of the person over here, he called something, is owner over here, like he say, oh, so you have to submit 10,000. Party their room rent is 500, but they take 620. We are not just saying them anything, because 120 they take per day extra. But after that, how can they say like that? If I will take 620 or something, 600. So 600 into 5, 620 into 5, that means it's come at 3,100. But he claimed for the 10,000 for just one day. And he say, when you are just checking out, we will just give you the money back. Yeah, what do you have in your room? Anything like Mayur Mahal or anything like is in your room? It's nothing is in your room here. How can you say like that, the bloody cheapest person? You know, I am really frustrated, and I will just definitely suggest you, please don't go over there. The mad people over there, basically the mad people in the Samrat Hotel, in the in there basically, whatever I show you, it's Bazaria Chowk in Nagpur. Don't go over there. I just request you, I just warning you, if you'll go over there, you just get the same feedback from there. Okay, please go over, don't go over there. Have a nice day. Thank you so much for watching this. If you like the video, please like, and if you don't like, dislike it. I know if you like it, because I will definitely show you some places which is not good for you, which is dangerous for you even in the place. So thank you so much for watching this. Please subscribe the news, watch the person who new watch, please subscribe for more and more info. Thank you so much. Take care. Tata, bye.